सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने टीवी पर, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। बसपा के सामने उपचुनाव में अपना कुनबा बढ़ाने की बड़ी चुनौती। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दी जन्मदिन की बधाई। पार्टी जो दायित्व देगी उसको निष्ठा से निभाएंगे अनिल विज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बसपा के सामने उपचुनाव में अपना कुनबा बढ़ाने की बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट हो चुकी बहुजन समाज पार्टी के सामने उपचुनाव में अपना कुनबा बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती आ गई है। पार्टी को प्रतिदिन घटते जनाधार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बसपा के लिए अपने प्रभाव को बचाने के लिए जरूरी हो गया है कि इस उपचुनाव में दलित वोटों के बीच अपने पैठ को एक बार फिर से साबित करें। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिन 9 सीटों पर अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक भी सीट पर बसपा का खाता नहीं खुला था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। आई बढ़ते लिखा पर क्या, पार्टी जो दायित्व देगी उसको निष्ठा से निभाएंगे अनिल विज। भाजपा के नायब सिंह सैनी गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी का अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज अंबाला से रवाना हो गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। समारोह में पीएम मोदी और विभिन्न एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना होने से अनिल विज ने मीडिया से बात की और माना कि उन्हें फोन आया है और वह शपथ लेने जा रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई टूडेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर यूट्यूब फ्लाइट भी दे सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।